मिलिए यूपी के आईपीएस अफसरों और उनके व्हाट्सएप ग्रुप से, लेकिन पहले ये सुनिए। खुशियां बांटिए, अफवाह नहीं। अब व्हाट्सएप तो कहता है कि खुशियां बांटिए, अफवाहें नहीं। भाई पुलिस अफसर हैं, अफवाहें बांटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर एक दूसरे के खिलाफ भरे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो ये व्हाट्सएप पर ही निकल आया। हुआ यूं कि आदित्य मिश्रा ने दीपक कुमार की अप्रेजल रिपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा कर दी, तो आशीष गुप्ता ने जेएन सिंह पर पक्षपाती होने का आरोप मढ़ दिया। फिर क्या था, सुजीत पांडे ने भी ग्रुप में अपना एक कमेंट धर दिया, तो जेएन सिंह भी उखा गए। उन्होंने एक पुराने वीडियो को ग्रुप में उतार दिया। फिर क्या था, दीपक कुमार ने इस वीडियो का विरोध कर दिया। कुल मिलाकर आईपीएस साहबान एक दूसरे की वर्दी के दाग दिखाने लगे, फिर बहुतों को अखरा। उन्होंने कहा कि अपना ये कीचड़ उछाल कंपटीशन ग्रुप से निकलकर मीडिया तक पहुंच गया है, कुछ तो लाज रखो। खैर अंततः जेएन सिंह ने पुराना वीडियो डालने के लिए सुजीत पांडे से माफी मांग ली। फिर क्या था, आपस में मीठी मीठी बातें होने लगी, ग्रुप में खुशी आ गई। लेकिन ये क्या, फूफा जी ने वो वाला ग्रुप छोड़ ही दिया। अरे अरे अरे, मतलब डीजीपी ओपी सिंह साहब ने नाराज होकर ग्रुप छोड़ दिया, लेकिन हमको क्या लेना देना, हम तो बस यही कहेंगे।